जदीद तरीके से बीफ कढ़ाई किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, फिलहाल इसमें शामिल कर देंगे। के साथ से कटी हुई इस तरीके से बीफ कढ़ाई के गिफ्ट आपको दे दिए आ रहे ने चस्के मुंह में हल्का हल्का पानी दे आ रहा होगा तुहाडे दा सफल धनिया इस तरीके से गार्निश के लिए ऊपर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। मेरे भाइयों, कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं, एक न्यू अंदाज से जदीद तरीके से बीफ कढ़ाई किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट अल्फाज में बताने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। बीफ कढ़ाई तैयार करने के लिए इसके साथ का प्रेशर कुकर ले लिया, जो शेफ कुकवेयर वालों का है, 2-in-1 है, कढ़ाई की कढ़ाई है और प्रेशर कुकर का प्रेशर कुकर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया। ऑयल गर्म होने के बाद 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ दरमियाने साइज का शामिल कर देंगे और प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। लाइट ब्राउन प्याज होने के करने के बाद हमने क्या करना है, 1 किलो हमारे पास बीफ है, अच्छे तरीके से हमने इसको वॉश कर लिया, दरमियाने साइज की बोटी बना ली, इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन हम इसको 8 मिनट तक इसके अंदर भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि गोश्त अपना कलर भी चेंज कर जाए और जो पानी जो गोश्त छोड़ेगा वो भी हम खुश कर लेंगे। ठीक हो गया, 8 मिनट के बाद आप कर लेंगे। इस टाइम पे आके जब हमारे गोश्त ने कलर चेंज कर लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, 2 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के इस तरीके से चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे और इनको ऊपर से थोड़ा सा इसको घुमा के ऊपर से कवर लगा देंगे, टमाटरों को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको कवर करके पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे उसी में ये टेंडर होंगे। ये रहे जी, 4 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं, टमाटर टेंडर होना शुरू हो गया इस तरीके से, ये देखें इस टाइम पे आके अब हमने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं, नए तरीके से बता रहा हूँ। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, खुश्क धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, ब्लैक पेपर और गर्म मसाला नहीं डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर मसालों की भुनाई कर लेंगे। ये नहीं, इस टाइम पे आके जब मसाले अच्छे तरीके से भुनाई कर ली हमने, 1 कप चाय वाले इसके साथ का पानी का शामिल कर देंगे इस तरीके से, इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम प्रेशर कुकर का कवर लगा देंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 3 मिनट के बाद इसकी विसल चलनी शुरू होगी, उसके बाद 7 मिनट, अगर टोटल आप देखें तो 10 मिनट। ठीक हो गया, 10 मिनट के लिए इसका कवर लगा देंगे ऊपर से, प्रेशर कुकर बंद करके कवर लगा दिया अच्छे तरीके से, ऊपर ये वेट दे देंगे, 3 मिनट के बाद वेट चलेगा, फ्लेम मीडियम रहेगा, उसके बाद 7 मिनट, टोटल देखा जाए तो 10 मिनट। अगर आप पतीले में रख रहे हैं, देगची में पका रहे हैं, तो आप 1 लीटर पानी डालेंगे और 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ेंगे, फिर आपका गोश्त टेंडर हो जाएगा। हमारा मकसद गोश्त को टेंडर करना है, आप देगची में करें, पतीले में करें, प्रेशर कुकर में करें, टोटल 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर रहेगा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 10 मिनट के बाद स्टीम रिमूव कर दी, कवर हटाने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कमाल की खुशबू आ रही है इस तरीके से, इसी कंडीशन हो गई, ये देखें, ये ठीक हो गया, गल समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके फ्लेम ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि थोड़ा सा हम इसका पानी मजीद खुश कर लें, हल्का सा बस, हाई फ्लेम पर 2 मिनट पकाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे, ताकि हमने दही शामिल करनी है, दही फटे ना, हमें मुलायम ग्रेवी चाहिए, 1/2 कप दही का शामिल कर देंगे दम वाले फ्लेम पे और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट। दही का पानी खुश्क करके फ्लेम को हाई कर दिया, हाई फ्लेम करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज मिर्चें, जो डंठल के साथ थी कटी हुई, इस तरीके से शामिल कर देंगे, साथ में शामिल करेंगे इसके अंदर मोटी कुटी हुई काली मिर्चें, देखें मोटी कुटी हुई 1/2 टीस्पून इस तरीके से, बारीक नहीं, कसूरी मेथी थोड़ी सी, ये मसल के डाल देंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, ये सब कुछ हाई फ्लेम पर करना है,
और मिक्स कर देंगे इसको, क्योंकि जो चीज़ें हमने शामिल की हैं, गरम मसाला, कसूरी मेथी, काली मिर्च, अगर आप इसको लो फ्लेम पे शामिल करेंगे मीडियम फ्लेम पे तो कढ़ाई आपकी ब्लैक की तरफ चली जाएगी, हाई फ्लेम पे शामिल करके 30 से 40 सेकंड पकाएंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे। ये ले जी, हमारी बीफ कढ़ाई तैयार है जो हमने न्यू अंदाज से आपको सिखाई है। लुक देख लें आप इसकी, टेस्ट देख लें, खुशबुएं देख लें, किस तरह कमाल की आ रही हैं। आप बनाएं तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें, सुभान अल्लाह हैं। बीफ कढ़ाई के गिफ्ट आपको दे दिए, न्यू अंदाज से आपको बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, जो खाएगा वो खाता ही रह जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से इसको डिश आउट करें, इस तरीके से हैं, आ रहे ना चस्के, मुँह हल्का हल्का पानी दे आ रहा होगा थोड़े। इस तरीके से इसको हम डिश आउट करने लगे हैं, इस तरीके से, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके थोड़ा सा सब्ज धनिया इस तरीके से गार्निश के लिए ऊपर डाल दें, कमाल कमाल, दो तीन सब्ज मिर्चें इस तरीके से कटी हुई ऊपर रख दें। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। बीफ कढ़ाई किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो बीफ कढ़ाई की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरे वाल देखो, इधर उधर ना देखो, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।